ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ये भी एक पेज रिप्लेसमेंट का तरीका है, क्योंकि बिलेडी अनोमली हो रही थी फीफो में। फीफो का मतलब, बिलेडी का मतलब ये है कि आपने फ्रेम, नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके पास दो है, कुछ पेज फॉल्ट हो रहे थे, आपने तीन किया और बढ़ गए, चार किया तो और पेज फॉल्ट बढ़ गए। तो ये जो पेज फॉल्ट बढ़ने का कुछ ये समस्या है कि अरे फ्रेम बढ़ाओ और पेज फॉल्ट बढ़ रहे हैं, तो बहुत समस्या की बात है, इसको किस तरीके से इसका निदान किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, ये आपको गारंटी करेगा कि कम से कम पेज फॉल्ट रेट हो अगर आपके पास फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स हो। ये एल्गोरिथम, इसको हम ओपीटी ऑप्टिमल या मिनिमल, इसको ऑप्टिमल और मिनिमल भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि हमको जो आगे आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर नॉलेज पता होना चाहिए, पहले की आगे की चीज जो होनी है उसका एंटिसिपेशन करना पड़ता है, खासतौर पर कंपेरेटिव स्टडी के लिए यूज होता है। तो एल्गोरिथम है क्या, पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा पेज जो आगे यूज नहीं होने वाला, आगे यूज नहीं होने वाला बहुत समय तक, उस पेज को रिप्लेस करेंगे। जो आगे यूज नहीं होने वाला उसको कैसे पता करेंगे, जो अभी तक यूज नहीं हुआ है वो आगे भी यूज नहीं होगा, ऐसे ही सोच सकते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे मैं अभी आपको समझाता हूं। बस इसका जो क्रक्स है वो समझ लीजिए। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का मतलब है उस पेज को हटाइए, रोल आउट करिए, जो पेज आगे के बहुत समय तक यूज नहीं होने वाला। इस एग्जांपल को समझिए, पहले हमने कहा कि पहले वन आ जाए, तो वन यहां पर आ गया, टू, फिर थ्री, फिर फोर, ये वन टू थ्री फोर पूरे हो गए, फिर वन आया, यहां वन टू थ्री फोर पे चार पेज फॉल्ट हो चुके हैं ना, फिर वन आया, फिर टू आया, वन और टू जो है यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अब यहां पर फाइव आया, किसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे, हमने कहा चार जो है ना ये वाला, इसको रिप्लेस करिए आप, इसको हटाइए, ये बहुत समय तक यूज नहीं होने वाला। आपने यहां पर पांच रख दिया, एक पेज फॉल्ट हो रहा और हो गया, फिर वन टू, वन टू ऑलरेडी इसमें है, थ्री भी ऑलरेडी है, फोर आप लाए, फोर में आपने कहा कि इस वन को हटाइए, ये बहुत समय तक यूज नहीं होने वाला, एक और पेज फॉल्ट हो गया, उसके बाद फाइव आया, फाइव ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए इस जगह पर यहां आ चुका है, तो छह पेज फॉल्ट आ गए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इस चार को मैं कब हटाऊं, एक को कब हटाऊं, ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये पता कर सके, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि फ्यूचर नॉलेज कैसा पता चलेगा आपको कि ये चीज आगे बहुत समय तक यूज नहीं होने वाली। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये आपका सात आया सात रख दिया, जीरो आया जीरो रख दिया, वन आया वन, यहां तो खैर पेज फॉल्ट हो गई होगा क्योंकि अभी खाली है। अब जब टू आया तो आपने सात को रिप्लेस कर दिया, यहां पर टू रख दिया, जीरो आया जीरो ऑलरेडी है, तीन आया आपने एक को रिप्लेस किया, क्योंकि अभी अभी जीरो रिप्लेस, देखिए यहां जीरो 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 जो है ना अभी अभी रेफर हुआ है, जो रेफर हो रहा है जिसके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो रेफर भी तो हो रहा है, तो जो रेफर हो रहा है इसका मतलब ये है कि रेफर हो रहा है तो आगे भी रेफर होता रहेगा। ये अभी एक अभी तक रेफर नहीं हुआ है, एक जो है वो यहां रेफर हुआ है, लेकिन उसके जस्ट बाद आपने देखा दो तो अभी अभी आया है, इसको कैसे हटाए, जीरो अभी भी रेफर हो गया इसको कैसे हटाए, कब वन को हटाना ही हमारे पास संभावना है, तो इस तीन को यहां पर रख देंगे एक को हटा के, फिर जीरो आया जीरो ऑलरेडी है, फिर चार आया, अब किसको हटाएंगे, फिर से हम देख रहे हैं कि दो दो आया अभी, तीन को अभी भी रिप्लेस किया, लेकिन जीरो रिफर तो हुआ है, लेकिन इन दोनों के बनिस्बत हम जीरो को हटा सकते हैं, तो हमने चार हटा लिया, दो ऑलरेडी है तीन ऑलरेडी है फिर जीरो आया, अब इस चार ये जो चार है ये अभी दो और तीन तो रिफर हो ही चुके, चार रिफर नहीं हुआ, चलिए चार को हटाइए जीरो रख दीजिए यहां पर, फिर तीन और दो पे आया तीन और दो ऑलरेडी है, फिर एक आया, ये तीन है दो और आपने दो को रिफर कर लिया, जीरो यहां पर रहने दीजिए क्योंकि जीरो भी रिफर हो गया, बस ये जो तीन है ना ये दिख रहा है, लेकिन जबकि ये रिफर हुआ है अभी देखिए, लेकिन हमारे पास ये जो फ्यूचर नॉलेज है ना ये इस तरीके से बनेगी कि हम इस तीन को हटाएंगे और तीन की जगह वन रख देंगे, फिर टू जीरो वन आ गया आपका। हम ये देख पा रहे हैं कि आगे यहां पर यहां जब शुरू कर रहे हैं तो हमारा जो एम है वो इस तरफ है कि कौन सा है जो रिफर बहुत ज्यादा हो रहा है, जो रिफर ज्यादा होगा उसको हम नहीं हटा रहे, जो इनमें से सबसे ज्यादा रिफर हो रहा है वो हम नहीं हटा रहे, और जो हमारा कम से कम रिफर हो रहा है उस सबको हटाते चले जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे वन हमारे यहाँ पर टू जीरो वन ऑलरेडी है, फिर सेवन आया, सेवन में हम ये सब देख रहे हैं, सबसे पहले टू रिफर हुआ लेकिन जीरो और वन अभी भी रिफर हुए, इनको नहीं हटाएंगे, टू को हटा दीजिए, जीरो और वन तो अभी भी रिफर हुए, इस सात को रख दीजिए,
और उसके बाद से 01 आएगी ऑलरेडी है, तो कितने पेज फॉल्ट हो गए, कितने ब्लू यहाँ पर आपको बार दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वही स्ट्रिंग के लिए 9 पेज फॉल्ट, और इसी पेज इसी स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको कितना दे रहा, 15 पेज फॉल्ट दे रहा, ये 9 पेज फॉल्ट है।